बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हमारे पास आया हुआ है कि GSM टूल्स, इसका आज हम पूरा रिव्यू करेंगे। उससे पहले दोस्तों कोई भी अगर आपको अगर बॉक्स डोंगल चाहिए, एक्टिवेशन चाहिए, तो आप नीचे मेरी वेबसाइट देख पा रहे हैं, उससे मुझसे आप इजीली संपर्क कर सकते हैं, आपको बेस्ट रेट में मिलता है मेरे पास से। तो देखिए दोस्तों हमारे पास आया हुआ है GSM टूल्स रिव्यू के लिए, इसका हम रिव्यू करेंगे पूरा और जानेंगे इसमें हमें क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं और ये किस तरह से काम करता है और इसका प्राइस क्या होने वाला है। तो पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद हम इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें क्योंकि ये नया टूल आया है, तो ख़रीदने से पहले, इसको परचेज़ करने से पहले आप एक बार इसका रिव्यू देख लेंगे तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों हमें इसमें तीन टैब मिल जाते हैं, हवाई का और एक्जोमी का और मीडियाटेक का, जो हमारा पूरा उसके अंदर हमारा मीडियाटेक का सपोर्ट होगा। सबसे पहले हम रेडमी में चलेंगे और इसके देखेंगे सारे इसके अंदर हमें नए मॉडल, जैसा कि इसके अंदर वेबसाइट पर भी इसका लिस्टेड है कि इसमें हमें सारे न्यू मॉडल देखने को मिल जाते हैं। इसमें हम अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, रीलॉक बूट लोडर कर सकते हैं और इसके अंदर हम IMEI रिपेयर कर सकते हैं काफ़ी इजीली। इसमें हमें जो है मेथड मिल जाते हैं और इसमें लगभग सारे मॉडल सपोर्ट हैं जो अभी तक UMD अनलॉक टूल में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि हमें रेडमी नोट 10S तक जो अभी सपोर्ट मिल रहा है, जो 5G मॉडल है रेडमी नोट 10S, वो तक कि हमें इसमें सपोर्ट मिल जाती है। तो इसमें हम जो है काम आसानी से कर सकते हैं, जो कि हमारा शॉप से कोई मोबाइल रिटर्न ना जाए, कोई नया मॉडल हमारे पास अगर रिपेयर के लिए या फ्लैशिंग के लिए आ जाता है। तो देखिए इसमें हमारे सारे नए मॉडल 9C 9 10 एक्जोमी 10K 10 5G सपोर्ट हमें इसकी देखने को मिल जाती है। ये हम क्वालकम में आते हैं, रेडमी के क्वालकम वाले में मॉडल भी देखने को, इसमें सारे नए मॉडल हमें देखने को मिलेंगे, F2 Pro, रेडमी S2, MI8, MI8 AC, ये हमें इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिल जाती है। एक साल का इसका दोस्तों टाइम है और इसका प्राइस, अगर आपको लेटेस्ट प्राइस चाहिए तो नीचे मेरी वेबसाइट देख पा रहे हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर देख पा रहे हैं, उससे मुझसे आप इजीली संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर बॉक्स चाहिए तो उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखिए ADB मोड पर हम इसमें कर सकते हैं, इनेबल डाइक कर सकते हैं, रिबूट रिकवरी कर सकते हैं हम इसमें ADB मोड पर लाकर। फास्ट बूट मोड पर हम आ जाते हैं तो फास्ट बूट मोड पर हमें अनलॉक फ्लैश का ऑप्शन मिलता है, रिमूव FRP, अनलॉक बूट लोडर, अनलॉक गो इसका ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम डायरेक्ट इसका फ्लैशिंग कर सकते हैं, फाइल डाउनलोड करके आसानी से हमें फ्लैश कर सकते हैं। हवाई में अगर आ जाएं हम और हवाई में देखें हम, तो हमें ये यहाँ पर भी हमें सारे मॉडल लगभग नए देखने को मिलते हैं, हवाई Mate 20, Mate 20T, मीडियाटेक, और हमें इसके अंदर जो है हवाई का जो हवाई ID है जो आसानी से रिमूव नहीं होती है बाहर के सेट की, उसकी भी हमें इसमें डायरेक्ट FRP हवाई ID आसानी से हम इसमें रिमूव कर सकते हैं। 10 लाइट है, 20 लाइट है, पी लाइट, होना 10, जो होना की सपोर्ट हमें UMT या अनलॉक टूल में देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पर हम इसमें आसानी से कर सकते हैं, अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, रिसेट हवाई ID कर सकते हैं, इस तरह से हमें काम करता है। तो दोस्तों ये फीचर हैं, इसके अलावा इसके नीचे वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के नीचे, आप वहाँ से जाके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपको IMEI को रिपेयर करने का ऑप्शन मिलता है, ध्यान रहे रिपेयर का, चेंज का नहीं, ओनली रिपेयर, इसमें आप IMEI रिपेयर कर सकते हैं अगर आपका फ्लैशिंग के दौरान मोबाइल आपका IMEI करप्ट हो जाता है। तो दोस्तों छोटा वीडियो मैंने बनाया था, उम्मीद है पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। मैं मिलूंगा अगले हेल्पफुल वीडियो लेके आप लोगों के लिए, तब तक अपना दोस्तों का ख्याल रखें, मिलूंगा अगले।